खटीमा में हुई महिला की हत्या के आरोपी को उधम सिंह नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला 1 मार्च 2024 का है, जहां एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च को थाना खटीमा पर आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर से प्रभारी निरीक्षक खटीमा के सरकारी मोबाइल नंबर पर शाम के समय सूचना दी कि गांव श्रीपुर बिछुआ में एक महिला अपने घर पर चोटिल अवस्था में बिस्तर पर पड़ी है, जिसके बाद पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचे तो जंगल किनारे स्थित कच्चे मकान के अंदर एक महिला चारपाई पर चित अवस्था में पड़ी थी, जिसकी पहचान वहां पर मौजूद गांव वालों ने माया देवी के रूप में की। तो वहीं जब पुलिस कर्मियों ने महिला की जांच की तो महिला के सिर में खुली चोट पाई गई, जिसके बाद पुलिस की छानबीन के दौरान मृतका के पति छोटू सिंह ने बताया कि श्याम सिंह राणा उसकी गैर मौजूदगी में आरोपी के घर उसकी पत्नी के पास आता जाता रहता था। तो वहीं जब पुलिस ने श्याम सिंह राणा को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल और आरोपी के घटना के दिन पहने खून से सने कपड़े बरामद किए, तो पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी श्याम सिंह राणा ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि आरोपी श्याम सिंह राणा और माया देवी के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ समय से माया देवी किसी अन्य व्यक्ति से भी बात करने लगी थी, जिस संबंध में आरोपी ने कई बार माया देवी को समझाया भी था, लेकिन माया देवी लगातार अन्य व्यक्तियों से भी संपर्क रखती थी। इसके बाद गुस्से में आरोपी श्याम सिंह ने शराब के नशे में माया की देवी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी।